नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों धनुराशि वालों, फूटे ढोल की तरह अगले दो दिनों के अंदर आपका नसीब फूटने वाला है। जी दोस्तों, समय आपके लिए बहुत ही या समय ख़राब चल रहा है, तो ऐसे में आपको अगले 48 घंटे बेहद ही संभल कर और सावधान रहने की काफ़ी आवश्यकताएँ होंगी। जी दोस्तों, तो आज की पूरी वीडियो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। दोस्तों हम आप सभी को बताएंगे कि आने वाले इन दो दिनों का समय, आने के 10 और 11 जनवरी 2023 का दिन आप सभी जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों इन दो दिनों के समय अवधि में आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ेगा, या दो दिनों में आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी समस्याएँ आएँगी, कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, तो कौन कौन सी आपको या समय चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही या समय आपको क्या क्या सावधानियां भी काफ़ी रखनी पड़ेंगी, और साथ या समय आपको कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा जो कि आप किसी मुसीबत में बिल्कुल भी ना पड़े। और साथ ही इन दो दिनों के समय अवधि में आपके जीवन काल में क्या क्या परिवर्तन भी लेकर आ रहे हैं, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली हैं, तो कौन कौन से बड़े शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होंगी। और साथ ही बात करेंगे इन दो दिनों के समय अवधि में आपका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, आपकी नौकरी कैसे रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसे रहेंगे, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसे रहेंगी, घर परिवार का माहौल कैसे रहेंगे, और विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। दोस्तों सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां हम आप सभी जातकों को पूरी विस्तारपूर्वक से बताएंगे, तो आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल मिस ना कीजिएगा और इसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों आपकी ज़िंदगी की हर एक परेशानियों को दूर करने के लिए हम आप लोगों को वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हम बताएंगे। दोस्तों अगर आप इस उपाय को करेंगे तो यकीन के साथ कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी की हर एक समस्याएँ दूर हो जाएंगी, और भगवान हनुमान जी और भगवान गणेश की कृपा हमेशा आप सभी जातकों के ऊपर बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले, जो भक्त अपनी माँ से सच्चे प्रेम करते हैं, इस वीडियो को अभी कभी अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से जय माता रानी में जरूर कि दोस्तों आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण होंगी और आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के साथ। दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि इंसान तो कर्म करने पर अपनी मनमानी कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। दोस्तों जो इंसान अपनी ज़िंदगी में जैसा कर्म करेंगे, दोस्तों उसे एक न एक दिन वैसा फल ज़रूर ही प्राप्त होंगे। दोस्तों अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति होंगी, अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको बुरे फल की प्राप्ति ज़रूर होंगी। जी दोस्तों, आप जैसा करोगे आपको वैसा ज़रूर मिलेंगे। जी दोस्तों, तो इन बातों को आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में ध्यान में जरूर रखना। दोस्तों अगर गुरु जी का यह ज्ञान आपको सही लगा हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से जय गुरुदेव महाराज जरूर के दोस्तों आपकी सारी मनोकामनाएँ जल्दी पूर्ण होंगी और आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं आने वाले इन दो दिनों की समय के बारे में। दोस्तों आने वाले अगले दो दिनों का समय आप सभी जातकों के लिए मिला जुला वाला समय साबित होगा। दोस्त यह समय आप लोगों को थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त यह समय आप लोग जो भी कार्य शुरू करेंगे, दोस्तों वह कार्य आपका आसानी से पूर्ण नहीं होगा और उसमें आपको निराश ही मिलेगा। दोस्तों आने के वह कार्य आपको इसमें सफल नहीं होंगे और उनसे आपको इसमें नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में आप लोग इसमें कोई भी नया कार्य बिल्कुल भी जल्दबाजी में शुरू ना ही करें, नहीं तो आपके लिए समस्याएं हो सकती है, क्योंकि यह समय आपके लिए समय थोड़ा खराब चल रहा है और यह समय आपका सोचा काम भी समय पर पूरे नहीं होंगे, जिनके चलते आपको मानसिक समस्याएँ का सामना करना यह समय पड़ सकता है। और दोस्तों साथ ही जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे, दोस्तों उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उनका मेहनत सफल होंगी, तभी उन्हें कोई बड़ी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि उनके लिए अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है। और या समय आपको किसी भी क्षेत्र में जल्दबाजी में कोई भी आप निवेश ना करें, नहीं तो आपके लिए समस्याएँ हो सकती हैं और वह आपका निवेश या समय डूब सकता है। और या समय आपको भी जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल भी ना लें, नहीं तो आपके लिए समस्याएं बाद में खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों या समय आपके लिए समय अच्छा नहीं होने वाला है। और दोस्तों या समय आप लोग करियर और कारोबार के लिए जो भी कदम उठाएंगे, दोस्तों उसमें आप या समय सफल नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों या समय ग्रहों की कुछ
अशुभ स्थिति आपके ज़िंदगी में किसी प्रकार की मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं। आने की दोस्तों आपके बनते बनते काम या समय बिगड़ सकते हैं, या फिर आप सोचते होंगे कि यह काम आपका बनेंगे लेकिन वह जाते रहते वहाँ पर आपका काम बिगड़ भी सकता है। तो यह समय आपको हर क्षेत्र में जरा सावधान रहने की काफ़ी आवश्यकताएँ होंगी। और दोस्तों यह समय आप अपने विवेक एवं बुद्धि से जीवन जुड़ी किसी बड़ी मुश्किल से उभर भी जाएंगे, जिससे आपके मन को यह समय काफ़ी राहत भी होंगी। और दोस्तों यह समय के मध्य का समय आप सभी जातकों के थोड़ा अच्छा समय रहने वाला है। दोस्तों यदि आप लंबे समय से भूमि भवन के कर विकर की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपकी यह मनोकामना पूरी जरूर हो जाएंगी। और इस दौरान सौदे में आपको मनचाहा लाभ भी यह समय प्राप्त होगा। और कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर की कृपा बरसेंगी और संभव है कि आपको इसमें किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारियाँ भी मिल सकती हैं। यह समय मनचाहा प्रमोशन या फिर ट्रांसफर भी आपको मिल सकते हैं, और कमीशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए समय बहुत ही शुभ साबित होंगे। दोस्तों उन्हें या समय कोई बड़ी शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। और दोस्तों जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं दोस्तों उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उन्हें या समय काफ़ी अच्छा व्यवसाय लाभ की प्राप्ति होंगी और बाजार में उनकी या समय धाग भी बनेगी। और सेहत भी या समय आपके समान ही रहेंगी और लव पार्टनर के साथ या समय प्रेम और सामंजस्य भी बढ़ेंगे। और दाम्पत्य जीवन भी आपका इसमें सुखमय बना रहेगा और जीवन साथी के साथ हंसी खुशी के पल बिताने के कई अवसर भी आपके इसमें प्राप्त होंगे। और दोस्तों अगर आपने पूर्व में किसी भी योजना पर निवेश किए हुए थे तो यह समय उससे आपको बड़ा लाभ की प्राप्ति होगी। और यह समय के उत्तरार्ध में आपका अधिकांश समय धार्मिक एवं सामाजिक कार्य में बीतेंगे। समाज में आपका मान सम्मान काफ़ी बढ़ेंगे और आपके हर जगह चर्चे भी इसमें हो सकते हैं। और इस राशि के स्टूडेंट के लिए इसमें दिन बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों उन्हें इसमें कुछ ऐसे बड़े शुभ समाचार की प्राप्ति होंगी जिनके कारण पूरे घर में उनके इसमें खुशी का माहौल भी हो सकता है। और परिवार में इसमें विवाद की स्थिति भी बन सकती है। आप किसी बात को लेकर इसमें थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। और इसमें किसी मित्र से भी आपके अनबन होने की संभावना है, तो इसमें आप लोग ज़रा सावधान रहें और किसी भी बेफालतू के लफड़े में ना ही पड़े तो आपके लिए बेहतर रहेंगी। और इसमें फालतू की बहस करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत भी बन सकती हैं। तो यह समय आप लोग जितना सावधान रहेंगे, जितना ही आप लोग संभल कर चलेंगे, उतना ही आपसे भी जातकों के लिए बेहतर भी होगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आने वाले इन दो दिनों के समय अवधि में आप लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए जो कि आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँ, और भगवान हनुमान जी की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे और आपके सारे संकट हमेशा के लिए वे दूर कर दे। दोस्तों आप लोग हर रोज रात को सोने से पहले हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का मिट्टी का दीपक जरूर जलाएं और साथ ही आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। दोस्तों इस उपाय को करने से आपकी धन संबंधी परेशानी दूर होंगी और आपकी ज़िंदगी में जो मुसीबतें चल रही है, जो परेशानियां चल रही है दोस्तों, उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी और भगवान संकट मोचन हनुमान की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनेगी और आपकी सारी मनोकामनाएँ जल्दी ही पूर्ण होंगी।